हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड से बनने वाला एक इजी और टेस्टी नाश्ता। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। ये मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया। तो मैंने यहाँ पर सभी वेजिज को चॉप करके रख लिया है। तो पहले मैं डाल रही हूँ ओनियन। तो आपके पास जो भी वेजिटेबल हो आप उनको ले सकते हो, या जो आप फेवरेट वेजिटेबल हो आपकी तो आप उनको यहाँ पर डाल सकती हो। तो मैंने डाली ये कैप्सिकम। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टोमेटो। तो इनको हल्का सा सोटे करूँगी। और यहाँ पर ली है मैंने बॉयल्ड कॉर्न। तो इनको सभी को मैंने भून लिया है। इन सभी को अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें डाल रही हूँ मैं ओरिगेनो लीव्स, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, स्पाइसी आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हो। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मियोनी। टोमेटो केचप, इन सभी को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ पनीर, लास्ट में मैं डाल रही हूँ सॉल्ट स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए भुनेंगे। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये अच्छे से भुन गई है, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर ब्रेड ले ली है, मैं ब्रेड की साइड कट करूँगी। ये नाश्ता बहुत कुरकुरा बनकर तैयार होता है और झटपट बनने वाला है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मैंने सभी ब्रेड को कट कर लिया है। अब मैंने एक बाउल ली है, बाउल में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच मैदा। इसमें मैं पानी डालूँगी और एक इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ये मैंने इस तरीके का बैटर तैयार कर लिया है। अब मैंने ये ब्रेड लिया है तो मैं इसको बेलन से बेल लूँगी इस तरीके से। इस ब्रेकफास्ट के लिए हमें ताजी ब्रेड लेनी है, तो सभी को मैं इस तरीके से बेलूंगी। ये मैंने सबको बेल के तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक ब्रेड के पीस को लिया है और इसकी हम कोन बनाएंगे इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे जो बैटर तैयार किया था उसको लगा लेती हूँ चिपकाने के लिए, और इस तरीके से मैं इसको चिपकाऊंगी। ये कोन तैयार हो गई है। और जो हमने वेजिटेबल से स्टफिंग बनाकर रखी थी मैं उसको इसमें भर दूंगी। थोड़ी सी मैदा का घोल यहाँ पर भी लगाएंगे और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। मैं इसी तरीके से सभी को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसको, आप सेलो फ्राई भी कर सकते हो बट मैं इसको एयर फ्रायर में फ्राई करूंगी। तो ये मैंने एयर फ्राई में रख दिया है सभी को। अब मैं इस पर ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का ऑयल लगाऊंगी। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो। मैं इसको 6 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। और ये मेरा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं प्लेट में सर्व करती हूँ।
आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ सर्व कर सकते हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, इसकी मैं आवाज़ सुनाती हूँ कितना कुरकुरा बना है। तो इस ब्रेकफास्ट को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।